नमस्कार दोस्त। तो भाई काफी सारे लोग सवाल करते हैं, क्वेश्चन किया करते हैं कि भाई मेरे मोबाइल में हाल फिलहाल में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग थी जो कि डिलीट हो गई। कुछ लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि सर मेरे मोबाइल में बरसों पुराने कॉल रिकॉर्डिंग रखे हुए थे लेकिन वो डिलीट हो गए अनजाने में, अब क्या करें? उन सारे कॉल रिकॉर्डिंग को रिकवर कैसे करें, वापस कैसे लाएं, क्योंकि वो सारे के सारे कॉल रिकॉर्डिंग हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे और कभी भी उसका काम आ सकता था। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, वैसे अगर आप लोग YouTube पर सर्च कीजिएगा कि कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे वापस लाएं, डिलीट हुए कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे वापस लाएं, तो आपको ढेर सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसमें अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, एक एप्लीकेशन बताऊंगा और साथ ही उसका पूरा रियलिटी भी बताऊंगा कि कैसे कैसे काम करती है। उसके बाद दूसरा भी तरीका बताऊंगा जो कि 100% वर्क करेगी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना अगर आप भी कॉल रिकॉर्डिंग को वापस लाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपने डेली लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं, लाइक एज घर बैठे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें, इंटरनेट बैंकिंग चालू कैसे करें, या फिर अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक कैसे करें, फ्लाइट टिकट बुक कैसे करें घर बैठे, ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, या फिर योनो SBI या इंटरनेट बैंकिंग में किसी भी प्रकार की समस्या आ गई है तो उसको सॉल्व कैसे करें, तो अगर आप लोग इन सारे टॉपिक की रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग एक बार जरूर से जरूर सुमित एक्सेस के चैनल को विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी जो आपकी डेली लाइफ में जरूर काम आएगी। सो प्लीज विजिट हेयर एंड सपोर्ट हेयर। बात करते हैं मेन पॉइंट की। तो दोस्त सबसे पहले मैं आपको अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग दिखा देता हूं और आपके सामने डिलीट करूंगा, ठीक है? वैसे तो काफ़ी सारे यूजर्स के फ़ोन से 6 महीने पहले कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाते हैं या फिर बहुत दिन डिलीट हुए हो जाते हैं, उसको रिकवर करना चाहते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको डिलीट करके दिखाऊंगा और उसके बाद प्रोसेस बताऊंगा रिकवर करने का। तो दोस्त देखिए, यहाँ पर मैं फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ और ये रहा ऑडियो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे कॉल रिकॉर्डिंग है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सेलेक्ट करके, ऑल सेलेक्ट कर देता हूँ यहीं से। उसके बाद डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, डिलीट ऑल आइटम्स, इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए पूरा का पूरा मेरा ऑडियो फाइल से डिलीट हो गया। अब इसे मैं रिकवर करना चाहता हूँ, तो रिकवर करने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है ऑटो सिंक फॉर गूगल ड्राइव। वैसे आप लोग गूगल ड्राइव से भी अपना कॉल रिकॉर्डिंग रिकवर कर पाओगे, लेकिन इसका एक अलग प्रोसेस है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने दीजिए इसको, यानी कि इंस्टॉल होने दीजिए, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस बता दूंगा। तो देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है और अब इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस आएगा, आपको आई एग्री कर देना है, ओके कर देना है, इसको इनेबल कर देना है ताकि ऐप सही तरीके से काम करे। उसके बाद कनेक्ट टू गूगल ड्राइव पर क्लिक करना है और आप जिस ईमेल अकाउंट से गूगल ड्राइव में लॉगिन हो रखे हो उसी ईमेल अकाउंट को यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ओके ओके पर क्लिक करने के बाद ये कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरह का पेज आ जाएगा, आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फिर से इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ चुके हैं, गूगल ड्राइव कनेक्टेड, चूज व्हाट टू सिंक, तो आपको चूज व्हाट टू सिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, क्रिएट टेस्ट फोल्डर पेयर और लेट मी क्रिएट माय ओन फोल्डर पेयर, आपको लेट मी क्रिएट माय ओन फोल्डर पेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फोल्डर पेयर नेम डाल देना है, कुछ भी अगर डालना चाहते हैं, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग, ताकि आपको याद रहे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ। उसके बाद रिमोट फोल्डर इन क्लाउड स्टोरेज, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको माय फाइल्स पर क्लिक करना है। माय फाइल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और फोल्डर नेम यहाँ पर डाल देना है कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक है? यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद नीचे में सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये सेलेक्ट हो जाएगा। लोकल फोल्डर इन डिवाइस, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जिसमें आपका कॉल रिकॉर्डिंग था, SD कार्ड में या फिर इंटरनल स्टोरेज में, आपको सिंपली चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि किस फाइल में आपका वो था, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है कॉल रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन को, ठीक है? तो यहाँ पर जिसमें भी था आपका कॉल रिकॉर्डिंग, आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर एक ऑप्शन है रिकॉर्डिंग्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट कर देना है।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंक मेथड में काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, टू वे अपलोड, ओनली अपलोड, देन डिलीट, काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर में सेव का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ अटेंशन का पेज आएगा, आपको यस कर देना है, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आए नेट में तो कोई दिक्कत ना हो इसको सिंक करने में। ठीक है, तो ये सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा और सिंक हो भी चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लास्ट सिंक टुडे 8:50, एंडेड एट टुडे 8:50, ड्यूरेशन 7 सेकेंड, सारा कुछ डिटेल्स आपको दिख जाएगा। अब सिंपली आपको चेक करना है कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग रिकवर हुआ है या नहीं। दोस्त इसका आप प्रो वर्जन भी ले सकते हैं, चूँकि इसमें पैसे भी लगते हैं। जब आप सेटिंग्स में जाओगे, गूगल ड्राइव में यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो आप अपना अकाउंट यानी कि ईमेल आईडी चेंज वगैरह कर सकते हैं और इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 199 रुपये, 399 रुपये, 799 रुपये, ये सारे आपको प्रीमियम पे करने पड़ेंगे। तो ये अलग बात है, जितना आपको फ्री में मिल रहा है आप फ्री में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरा कॉल रिकॉर्डिंग रिकवर हुआ है या नहीं। तो दोस्त देखिए, अब मैं आ चुका हूँ मोबाइल के होम स्क्रीन पर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फाइल मैनेजर में जाकर के, और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से ऑडियो को डिलीट किया था, कॉल रिकॉर्डिंग को, जो कि नो फाइल्स आपको दिख रहा होगा, मतलब कि कॉल रिकॉर्डिंग रिकवर नहीं हुआ। तो दोस्त मैं आपको बता दूँ, एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, इस ऐप की सच्चाई ये है, हो सकता है आप अगर करोगे तो कुछ कॉल रिकॉर्डिंग रिकवर हो जाए, ये हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिससे अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग या फिर फोटोज वीडियोज रिकवर करना चाहोगे तो रिकवर थोड़ा बहुत कर लेंगे, जो कि रिसेंटली में हाल फिलहाल में जो डिलीट हुए हैं, लेकिन यहां पर अभी एक भी रिकॉर्डिंग रिकवर नहीं हुआ। तो मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का यही कि अगर आपको बता रहा है कोई, तो सबसे पहले आप टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कई सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो पैसे ले लेते हैं और ठग लेते हैं। हाँ, लेकिन इसका एक तरीका है जो कि आप बरसों पुराने फोटो को रिकवर कर पाओगे। जी हाँ, तरीका यह है कि आप अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव को ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को लिंक कर दीजिए, इससे ये होगा कि आपके मोबाइल में जो भी कॉल रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग आ चुकी है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ ये ओपन होता है या नहीं, तो नहीं हुआ, मतलब कि कॉल रिकॉर्डिंग नहीं आई। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिकवर कर पाओगे। सिर्फ एक ही तरीका है, जब तक आप अपने कॉल रिकॉर्डिंग का बैकअप गूगल ड्राइव में नहीं लोगे, तब तक आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को रिकवर नहीं कर पाओगे। जी हाँ, हाँ, ये बरसों पुराना डिलीट अगर हो भी गया होगा आपका फोटो, मान लीजिए आपका 6 महीने पुराना था या फिर 6 महीने पहले ही आपका फोटो डिलीट हो गया, तो उस सिचुएशन में आप कॉल रिकॉर्डिंग हो या फिर फोटो हो, ले सकते हो उसका बैकअप, क्योंकि आपका सारा बैकअप आपके गूगल ड्राइव में आपके ईमेल अकाउंट पर सेव हो रहा था, ट्रांसफर ऑटो सिंक के जरिए हो रहा था। लेकिन पहले से आप ऑटो सिंक चालू करके नहीं रखे हो, लेकिन बाद में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए या फिर कुछ और कर लिए, तरीका फॉलो किए, तो उससे भाई आपका फोटो हमेशा हमेशा के लिए या फिर कॉल रिकॉर्डिंग गायब हो जाएगा। वैसे एक और तरीका है जो कि आप इसे रिकवर कर पाओगे, जो हाल फिलहाल में आपका फोटो डिलीट हुआ है उसे आप रिकवर कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आज फोटो की बात नहीं कर रहे हैं, आज सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। तो कॉल रिकॉर्डिंग का एक ही वन वे तरीका है, ट्रिक है, और 100% गारंटी के साथ ट्रिक है कि आप गूगल ड्राइव में उसका बैकअप लेते रहिए सारा चीजों का, तो आप कभी भी इन फ्यूचर 10 साल बाद 20 साल बाद भी उसका बैकअप लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो। इसके अलावा कोई गारंटीड ट्रिक नहीं है, तरीका नहीं है, अगर आपको कोई बता रहा है तो आपको ठग रहा है। हाँ, कुछ एप्लीकेशन, कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जो प्रीमियम वर्जन है, पैसे पेड करने पड़ते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो काफी एडवांस लेवल के लिए हैं और आप लोगों के लिए नहीं है। मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोगों को रियलिटी पता चल गई होगी और कैसे रिकवर करना है इसका भी तरीका आपको पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्त आज की यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो ना तो भाई क्या सोच रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।